आइए आज हम लोग विंटर मानसून के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जून के महीने में सन हमारा कर्क रेखा पर स्थित था और धीरे धीरे जुलाई में सन हमारा और साउथ हो गया, अगस्त में और साउथ चला आया और सितंबर में के प्रारंभ में ये लगभग भारत के दक्षिण में था। ठीक, और लगभग 14 सितंबर से 18 सितंबर तक मानसून लौटने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से मानसून लौट आता है, लौटने के बाद फिर सन हमारा चला जाता है इक्वेटर के बाद और साउथ में चला जाता है कैप्रिकॉर्न पर। कैप्रिकॉर्न पर जब जाता है या मकर रेखा पर कब आता है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सन हमारा मकर रेखा पर लंबो चमकता है। तो यहाँ लंबो जब चमकता है तो यहाँ से उठती हैं हाई, यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर बन जाता है, कन्वेक्शन करंट यहाँ से उठने लगती हैं, इस इलाके में लो प्रेशर बन जाता है और RTCZ यहीं रहता है। तो जब हाई टेम्परेचर होने से जब यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठने लगती हैं गर्म हवाएं, तो ये ऊपर जाकर के दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, फिर उसके बाद इक्वेटर क्रॉस करके फिर ये साउथ वेस्ट जेट के रूप में चलने लगती हैं उत्तर पूर्व दिशा में, फिर जा करके भारत में थार के डेजर्ट के पास में यहाँ टेम्परेचर हाई बन जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है अर्थात हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे ये उतरने लगती हैं और उतरने लगती हैं फिर नीचे धरातल पे ये चलने लगती हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हवाएँ विंटर में चलने लगती हैं। कभी कभी साइबेरिया से ये जो उत्तर भारत में देख रहे हैं दर्रे हैं, पास हैं, तो कई पास यहाँ पाए जाते हैं, उन पास से हवाएं साइबेरिया की ठंडी हवाएं आने लगती हैं और ये यहाँ पे दोनों हवाएं मिल जाती हैं, तो जब मिलने के बाद साइक्लोन का निर्माण करने लगती हैं और यहाँ पे इसको वर्षा होती है जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार से ठंडक में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, इस हिसाब से पूरा जो रोल है वर्षा कराने में वो सन का ही सबसे बड़ा योगदान है। सन की सिचुएशन जहाँ रहेगी उसी के अनुसार मानसून, चाहे समर का हो चाहे का विंटर का मानसून, प्रभावित होता रहता है, चलता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से मानसून एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं और वो हमारे पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करता है, हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करता है मानसून। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।